तो गाइज अभी हमने इनमें से कुछ गाड़ी पसंद की है, तो इसमें हमने सोचा क्यों ना इसका टेस्ट ड्राइव कर दिया जाए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? और ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए देखो मैं जितनी धूप में भी जैकेट पहन के निकला हूँ, लेकिन क्या है ना, धूप है पर ठंडी हवा जो है वो शरीर को लगती है, तब ठंडा लगता है, इसलिए मैं जैकेट पहन लिया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ पापा के साथ गाड़ी के शोरूम में, आपको भी कुछ गाड़ी दिखा दिया जाए। और पापा भी सोच रहे अपने लिए कोई दूसरी गाड़ी ले जिसमें ज्यादा माइलेज हो और ज्यादा पिकअप भी हो, तो हम लोग सोच रहे किसमें चलते हैं, या कार, बाइक, या एक्टिवा, देखा जाएगा। एक्टिवा तो साइड, क्योंकि एक्टिवा हमारे पास बहुत बढ़िया है, आपने तो देखा उसमें हमने बहुत सारा सफर किया है, और इतना सफर करने के बाद भी वो एकदम रफ एंड टफ चलती है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, कार या बाइक, लेकिन हमारे पास कार है वो भी बहुत बढ़िया है, तो हम सोच रहे कार को साइड कर दिया जाए। कार को साइड करने के बाद हमारे पास क्या बचा, अब बाइक, तो हम लोग सोच रहे क्यों ना बाइक के शोरूम में चला जाए और दूसरी बाइक पता की जाए। पहले आप ये नजारा देखो, देखो गाइस ट्रेन के साथ साथ मजा आ रहा है एकदम। हम लोग अभी वाई ब्रिज के ऊपर है और ट्रेन नीचे रेलवे में चल रही है, मस्त व्यू आ रहा है, जाली हट गई पूरी है, देखो मस्त दिख रहा है गाइस यहाँ से व्यू, ठंडा ठंडा हवा, और ये ट्रेन अब आगे चल जाएगी पटरी। ये तो हमारे साथ साथ है, अभी ट्रेन की स्पीड भी बहुत कम है। हमारी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड अभी 20 है, मतलब ट्रेन की स्पीड भी अभी 20 है, सोचो। अब देखते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ती है। ट्रेन की स्पीड अभी धीरे से बढ़ेगी क्योंकि वो तो हैवी गाड़ी है भाई, उसको स्पीड खींचने में, लोड खींचने में टाइम लगता है, और अभी वैसे भी डब्बे भी बहुत हैवी होते हैं। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या बोल रहा था कि हाँ बच्चा बाइक, तो हम लोग चलते हैं बाइक के शोरूम में और आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे कुछ बाइक न्यू आई है, अभी नए लेटेस्ट लॉन्च जो बाइक हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग आपको बता देंगे, और हम भी अपने लिए कुछ बाइक देख लेंगे। खास तौर पे पापा सोच रहे हैं, लेकिन जो बुलेट है वो तो पापा देते नहीं है, अगर हल्की गाड़ी लेंगे तो मैं चलाऊंगा। गाइस मजा आ जाएगा यार, मजा ही आ जाएगा सच में। पापा आप बताओ, दोगे मेरे को? रोड में लाइसेंस 18 साल का तो हो जा। 18 रोड में कौन बोल रहा है यार, हमको तो ही ना इधर घूमना है लंबे बड़े रोड में, हाईवे किसको जाना है, हमको तो बस इधर से उधर, मार्केट से दूर, घर से कहीं घूमने निकल गए सोचो। आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने जैसे कि बोला आपको धूप तो निकली है, लेकिन फिर भी मैं स्वेटर पहना हूँ, वो आपको समझ आ गया होगा किस लिए, क्योंकि सेक्टर में ठंड रहती ही है, कितना भी देख लो सेक्टर में सबसे ज्यादा ठंड है, दुर्ग से भी ज्यादा ठंड सेक्टर में है, इसलिए जब भी हम सेक्टर की तरफ आते हैं हम लोग जैकेट कोट डाल के ही आते हैं, वरना नहीं आते। और स्पेशली पापा तो मेरे को बहुत डांटते यार, तू पहन जैकेट पहन जैकेट पहन। डांटूंगा नहीं, तेरे को ठंड लगेगी, बीमार होगा तो खर्चा तो मेरे को ही करना पड़ेगा। पापा सोचते खर्चे के बारे में, मैं बीमार हो जाऊंगा तो उनको खर्चा करना पड़ेगा। तो गाइज अब हम आपको सीधा मिलते हैं शोरूम में, तब तक के लिए आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। गाइज हम लोग बस सुपेला पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर से एक बना लूं और शॉर्ट्स। हाँ पापा हमारा शॉर्ट ही बनाते रहते हैं, उनका भी मैं लिंक दे दूंगा चैनल का, उसमें शॉर्ट्स आप चेक कर देना उसको, और लाइक भी करते रहना। तो गाइज फिर से बंद हो गया हमारा नसीब, हम लोग जब भी आते तब बंद मिलता है, बस खुला ही था पता है, हम लोग दौड़ाए गाड़ी और लेट हो गए, बंद हो गया। फिर वहाँ पे देखो ट्रेन खड़ी है पर वो आ नहीं रही, उसका भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा, पापा हमारे पंडित मुहूर्त निकालेंगे ट्रेन आएगी फिर। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अभी होंडा के शोरूम, चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी हमको पसंद आती है, और आपको भी दिखाते हैं। गाड़ी पीछे रखिए गाइस, तो चलिए इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, वहाँ पे ही करेंगे अभी तक तो। गाइस एक बार गाड़ी की लुक देख लीजिए, और आपके पास भी अगर कोई अच्छा सजेशन हो तो आप भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या हो गया? तो आराम से आ जाएगी, दोनों पैर रखा है एकदम सीधा। गाइस हाइट तो मेरी एकदम परफेक्ट आ रही है इसमें, और बल्कि और भी लंबी बड़ी गाड़ी में बैठ सकता हूँ, हाइट देखो खड़े भी हो सकते हैं इसमें। गाड़ी कैसा लग रहा बैठने? हल्की एकदम सॉफ्ट है। फीलिंग कैसा लग रहा है? हल्की एकदम, बुलेट की आदत है थोड़ी सी, बुलेट की आदत है, बस बुलेट ही पहने। डिस्क ब्रेक है फ्रंट में और पीछे ड्रम मिलेगा इसमें, और इसमें एक और वर्जन है जिसमें हमको दोनों तरफ ड्रम मिलेगा, तो ये तो टॉप है शायद।
हाँ हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है अभी, अब चलो पापा टेस्ट ड्राइव करते हैं। नहीं नहीं आप चलाओ। कैसा लगता है पापा को पूछते पहले। तो गाइस हमने गाड़ी तो देखी और नंबर भी देके आ गए, अब हमको देखना है कि गाड़ी और भी शोरूम में चलते हैं। भी अपने राय दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके और बताइए कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेटेस्ट में अगर कुछ न्यू मिला और पसंद भी आ जाए फटाफट से, ऐसी कोई गाड़ी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। गाइस शोरूम से तो बाहर आ गए लेकिन अब लग रहा है पापा को ठंड, तो पापा सोच रहे क्यों ना चाय मार लिया जाए। क्या है ना चाय से फिर गर्मी आ जाती है, इसलिए पापा को ठंड लग रही है तो वो चाय पियेंगे। पापा पियेंगे तो मैं भी पियूंगा। आ गई हमारी चाय। तो गाइस अभी अपन सुपेला में घूम रहे हैं और आपको लग रहा होगा क्यों घूम रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना इसका माउंट चेंज कर दिया जाए। जिसका ये वाला है ना ये थोड़ा लोकर लगता है और फिसल जाता है, भले आपको नहीं दिखा होगा पर फिसल जाता है, बहुत बार फिसला भी है मोबाइल। तो हमने सोच रहे क्यों ना थोड़ा टाइट वाला ले, यहाँ पे बहुत सारे माउंट भी है। इसके माउंट के लिए फोन किया था क्या, नट वाला। हम लोग देखते हैं इसका, कुछ ट्राइपॉड्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं कौन सा बढ़िया है, एक और ट्राइपॉड ले लेंगे। क्योंकि हमारे सेकंड कैमरामैन हमारे पापा हैं, एक कैमरा मेरे पास रहता है और एक पापा, तो हमको दो ट्राइपॉड की जरूरत है। माउंट तो हमको मिल जाएगा आसानी से। पता है हम लोग दोपहर को इतना थक गए थे कि फिर हम लोग आराम पे लग गए, फिर उसके बाद हम लोग करीब 5 बजे उठे सो के, सोचो। और आज हमारे घर में बना है स्पेशल चीज। हाँ गाइस अभी शाम रात के लिए हमारे डिनर में है कुछ मीठा जो स्पेशल है बहुत ही, और कुछ तीखा। तीखा तीखा मीठा नमकीन सब है यार। गाइस आज का डिनर भी बहुत मजेदार होने वाला है, मेरा फेवरेट। सोचो क्या हो सकता है, मेरी हर फेवरेट चीज बहुत बढ़िया रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट क्या है। तो गाइस चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट। ये देखिए गाइस, गोभी का पराठा और गाजर का हलवा, वाओ कितना मस्त लग रहा है गाइस। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रख रख ये ले। इतनी खुशी आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। मम्मी एक कटोरी कहाँ है? हाँ कौन टोड़ा था बेबी, हमारी बेबी कांच वाली कटोरी तोड़ी थी, वरना 5 गिन के था। हाँ क्या दिक्कत है, गाजर खाने का मतलब है भाई हमको हलवा खाने से मतलब है। देखो कचोरी, देखो क्या नाम है इसका, कटोरी से मतलब है, हैं कचोरी से मतलब भाई। हमको भी हलवा गोभी का पराठा, मजा ही मजा, आज तो मजा आ जाएगा। लाओ मेरी थाली दो फटाफट से। गाइज आप कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपको गोभी का पराठा कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो कमेंट में बहुत सारा भर दो, कमेंट में प्यार दो। और हाँ यार गाइज लाइक और व्यू थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा यार, फटाफट से हमारे चैनल को ग्रो करो यार, कितने टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो एक तो लाइक बनता है यार, समझो दिल से बुरा लगता है यार, दिल से कसम से। प्लीज गाइज हमारी मेहनत को समझो और हमारे मेहनत के लिए एक वीडियो दे दिए लाइक दे दो। अगर सब मिलके एक एक लाइक देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो, जिससे आपको हमारे वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास हमारा नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा बेल आइकन दबाने के बाद। और सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे वो तो हम लाते हैं गाइस। अगर आप इसे समझोगे तो आपको भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको सारे वीडियो इंटरेस्टिंग लगेंगे। बस थोड़ा देखो और लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, प्लीज गाइस प्लीज, दिल से बुरा लगता है, प्लीज कर देना। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, तो गाइस बड़ी मेहनत लगती है यार। तो कर दो, जब तक आप कर रहे हो तब तक मैं अपनी गाजर का हलवा फिनिश करता हूँ और अपना खाना फिनिश करता हूँ, फटाफट से खाता हूँ। गाइस अब हम करने वाले हैं चेस, हमारा इस तरीके का कुछ चेस होता है ये, आप भी खा लो गाइस मेरी तरफ से, मैं भी खा लेता हूँ अब। तो गाइस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में हम गए थे गाड़ी देखने, बाइक तो मेरा मन है लेने का, पर अब क्या है थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि